आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है बोले तो, चिंचोली क्रॉस से लेकर बस डिपू तक ये जो स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नवे हैं और बंद है। क्यों बंद है, इसकी वजह क्या है, इसको कुछ आइडिया नहीं है। ये रोड पे क्या है मालूम हो, बस डिपू है और APMC है और हमारे फायर ब्रिगेड है और बालाजी कल्याण मंडप है और यहाँ पे एक दो मंदिर आते हैं और यहाँ पे 5 से 6 हज़ार मकान हैं, कॉलोनी है, ढेर सारे लोग यहाँ से फिरते हैं, गुजरते हैं, उनका रोज़ का गुजरना है यहाँ से। और हज़ारों की तादाद में लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पे आवाम को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये लाइट जो दिख रहे हैं आपको बिल्कुल नवे हैं, मैं रात का वीडियो भी बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल नवे हैं, ये बंद रखे हैं। क्यों बंद रखे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इसके ज़िम्मेदार क्या जस्कम वाले हैं या सेलम TMC वाले हैं क्या कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी ज़िम्मेदार है इसके जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। ये जो लाइट बंद है इसको चालू करने की कोशिश कीजिए। और ये सेलम तालुका है, जो काम हुआ है उसको आप क्यों बंद रख रहे हैं, सिर्फ आपको बटन डाल के लाइट चालू करना है ना, लाइट को चालू करने की पूरी कोशिश कीजिए और लाइट को चालू कीजिए। आवाम को यहाँ से फिरते टाइम पे चलते टाइम पे क्या मालूम, 5 से 6 हज़ार आवाम यहाँ से, यहाँ की लोकल की आवाम, ये गुलबर्गा क्रॉस चिंचोली क्रॉस से लेकर बस डिपू तक कम से कम 5-6 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं, कॉलोनी है, उनके खुद के मकान हैं। और यहाँ से चिंचोली, सुलेपेट, निड़गुंदा, ये सुरार, ये इतने काफ़ी विलेजेस को यहाँ पे आना जाना है, ये रोडों से हज़ारों की तादाद में लोग फिरते हैं। इसके जो भी जिम्मेदार है जल्द से जल्द कार्रवाई की कर और एक्शन लेकर ये लाइट को बिल्कुल चालू रखने की कोशिश कीजिए। मैं SK एजाज अहमद पठान सुफियान खान की टीम से।